इन्होंने बताया कि हम फूड भी देंगे, तो फूड एंड अकोमोडेशन हो गया। साथ में 2 साल पे अगर आप जाओगे तो आपको आने जाने का टिकट भी दिया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज सुबह मेरे एक दोस्त मेरे जानने वाले जो कि शारजा में काफी दिनों से यानी 30-35 साल से अपना ऑटोमोबाइल का वर्कशॉप चला रहे हैं, तो उनके वर्कशॉप पे 3 वैकेंसी अभी आई हुई है। उन्होंने मुझसे पर्सनली बताया है कि उनको 3 बंदों की रिक्वायरमेंट है, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रीशियन प्लस AC टेक्नीशियन। क्या? ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रीशियन प्लस AC टेक्नीशियन, यानी जिनको दोनों काम आता है उनको ऐसे बंदे चाहिए। तो उनके वर्कशॉप का लोकेशन, उनका नंबर, सब कुछ आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। और उनके पास जो काम आता है मोस्टली वॉल्वो ट्रक का है, मर्सिडीज का है, मान ट्रक का है, कार भी आती है लेकिन उन्होंने बताया कि वॉल्वो ट्रक सबसे ज्यादा उनके यहाँ आते हैं। तो सारी क्राइटेरिया क्या है इस जॉब के लिए, फैसिलिटी क्या मिलेगी, सब कुछ बताने वाला हूँ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमें पहली बार फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों उन्होंने बताया कि हम अपने टेक्नीशियन को क्या क्या बेनिफिट देंगे। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि हम रूम देंगे जो कि सभी देते हैं, फूड भी देंगे, फूड बहुत कम लोग देते हैं, इन्होंने बताया कि हम फूड भी देंगे। तो फूड एंड अकोमोडेशन हो गया। साथ में 2 साल पे अगर आप जाओगे तो आपको आने जाने का टिकट भी दिया जाएगा। अगर आप 1 साल पे जाते हैं तो आपको एक तरफ का टिकट दिया जाएगा। सैलरी आपको ऑन टाइम मिलेगी, महीना पूरा हुआ आपको सैलरी आपके हाथ में मिल जाएगी। कितनी सैलरी मिलेगी वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। इसके लिए उन्होंने बताया कि कम से कम 5 से 6 साल काम किया हो बंदा, जिसके पास इतना एक्सपीरियंस हो, जो इंडिपेंडेंट काम कर सकता हो। मैंने वीजा का पूछा कि आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा दोगे या विजिट टू एम्प्लॉयमेंट दोगे, तो उन्होंने बताया कि हम पहले अपने वर्कशॉप में उस बंदे को देखेंगे कुछ दिन, अगर वो बंदा काम कर लेता है इंडिपेंडेंट तो हम उसका वीजा लगाएंगे, अगर वो काम ज्यादा अच्छा कर लेता है तो हम उसका वीजा का भी पैसा नहीं लेंगे, अदरवाइज हम उसका वीजा का 3,000 दिरहम कट करेंगे उसकी सैलरी से। तो अगर आप अच्छे टेक्नीशियन हो मेरे भाई, इलेक्ट्रीशियन प्लस AC टेक्नीशियन, तो आपको वीजा का भी पैसा नहीं देना, उन्होंने पर्सनली मुझसे साफ साफ कहा है। साथ में सैलरी उन्होंने जो मुझे बताई है 1,500 दिरहम शुरू में वो देंगे। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तब तो आपकी सैलरी वो बढ़ा देंगे, अगर आप एवरेज टेक्नीशियन हो तो फिर आपकी शुरू में 1,500 यही होगी सैलरी भी होगी, और वीजा का भी पैसा देना पड़ेगा। उनका लोकेशन है सनैया 15 नंबर, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल 15 नंबर कहते हैं, शारजा में है। लोकेशन गूगल मैप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, क्योंकि अक्सर होता है वीडियो बनाने के वक्त स्किप हो जाता है, छूट जाता है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। और ये उनका कार्ड है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये नंबर है ओनर का, वर्कशॉप के ओनर का, आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप दुबई वगैरह में मौजूद हो तो आप जाके विजिट भी कर सकते हो, अगर इंडिया में हो जाके भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो आपको यहाँ से वीजा वगैरह का पैसा नहीं देंगे कि आप विजिट वीजा पर आओ, आप वहां पर जाओ अपना स्किल्स दिखाओ और नौकरी लो। 3 बंदों की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।